हे गाइस, पिछले व्लॉग में आपने देख लिया है कि क्या क्या हुआ है। मतलब इससे पहले तो इससे पहले दूल्हा दुल्हन का मतलब दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई थी, तो उस टाइम दूल्हा दुल्हन के पैर धोए थे, दुल्हन के भाई ने दूल्हे के धोए थे, दूल्हे के भाई ने दुल्हन के धोए थे। तो बस ये हुआ था। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक कर लेना, उसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बस ये जो है वो सेकंड पार्ट है एंगेजमेंट का। तो सेकंड पार्ट में बस यहाँ पर दुल्हन का भाई जो है टॉवल और नारियल दे रहा है। बस इस तरह से यहाँ पर दूल्हे को बिठाया जाता है। उसके बाद दुल्हन की तरफ से पांच लेडीज़ मिलके दूल्हे का ऑक्शन करती है, और ये जो आप देख रहे हो इसे ऑक्शन बोलते हैं, यही किया जाता है। और दूल्हे का जो है वो दुल्हन की तरफ से जो लेडीज़ आती है वो करती है, और दुल्हन का दूल्हे की तरफ से जो लेडीज़ आती है वो करती है। आप आगे देख लीजिएगा कि दुल्हन का जो है वो हम लोग करेंगे, और दूल्हे का अभी उनके साइड की लेडीज़ कर रही है। ये दुल्हन की सबसे बड़ी बहन है। दुल्हन को बड़े 3 बहनें हैं और ये सबसे छोटी हैं, तो इसी वजह से ये सबसे लाडली हैं। उसके बाद ना खाने के पान और सुपारी दी जाती है और बतासे दिए जाते हैं। तो ये दूल्हे की साइड से होते हैं, बट दुल्हन की साइड से उसकी बहन बांट रही है। हमारे साइड से हमने को ला के दिए थे उन्हें, और वो सबको बांट दे रही है। बस ये हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद दुल्हन की एंट्री हुई है। दुल्हन साड़ी चेंज करके आ गई है। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम लोगों ने जो सामान लाया है वो मैंने आपको दिखाया था, उसमें ये साड़ी थी और सारी ज्वेलरी थी, और जो भी देने वाला सामान था वो था। तो वो अभी देंगे, जो सामान बाकी था वो अब देंगे। एक एक हमारी तरफ से मतलब दूल्हे की तरफ से लेडीज जाएगी और उसको जो जो सामान बाकी है वो देगी। तो फिलहाल उसको साड़ी वगैरह दी गई थी, ज्वेलरी वगैरह दी गई थी। उसके बाद अभी जो बाकी का सामान था जैसे कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लाई थी, वो सारी चीज़ें उसको देंगे। तो ये दूल्हे की सबसे बड़ी भाभी है, मीन्स मेरी बीच वाली भाभी। तो जैसे कि आपको पता है कि मुझे दो भाई है, मतलब बड़े बड़ा एक भाई जिसकी ये वाइफ है, और ये एक छोटा तो जिसकी अभी सगाई हो रही है। तो बस ये उसको जो कुछ है ओटी वगैरह देगी। जैसे ओटी में क्या रहता है, चावल रहते हैं, खजूर रहता है, बादाम रहती है और सुपारी रहती है, और ये सारी चीज़ें ओटी में रहती हैं। आप लोग सोचोगे कि ओटी किसे बोलते हैं, तो ओटी इसे ही बोलते हैं। तो वो चावल वगैरह वो डाल रही है उसमें। और बस उसके बाद हम लोग पांच लेडीज़ मिल के हमारी तरफ दूल्हे की तरफ से दुल्हन का ऑक्शन करेगी। तो जैसे दूल्हे का हुआ सेम वैसे ही दुल्हन का होगा ऑक्शन अभी। तो वो हमारे तरफ से लेडीज़ करेगी। तो यही हो रहा है, मेरी ये वाली भाभी ऑक्शन करेगी, उसके बाद मैं करूँगी, उसके बाद हमारी तरफ से मेरी भाभी वगैरह जाएगी ऑक्शन करने। तो और हाँ, दुल्हन कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। हमें तो ये साड़ी बहुत ज़्यादा उस पर अच्छी लग रही थी, बहुत सुंदर थी। ये मेरी चॉइस की साड़ी है, मतलब मैंने ही चूज़ की थी ये साड़ी। उसके लिए बहुत सुंदर लग रही है, बट उसके ऊपर ये वाली साड़ी। और वैसे इतना ज़्यादा कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाया, मतलब जितनी रियल में सुंदर लग रही थी ना उतनी कैमरा में सुंदर नहीं लग रही है, बट बहुत ज़्यादा सुंदर थी ये वाली साड़ी। और हाँ, ये आप लोग पूछ रहे थे पिछले ब्लॉग में, मैंने जो ये एंगेजमेंट का पार्ट 1 शेयर किया था आपसे, तो उसमें आप मेरी साड़ी के बारे में पूछ रहे थे। ये मैंने ऑनलाइन ली है, और इसका लिंक अगर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी आपके लिए। अगर आपको परचेस करना है तो ये आप परचेस कर सकते हो। वैसे ये साड़ी ना सबको पसंद आई थी, मतलब वहाँ पर भी सबको पसंद आई थी, और आप लोग भी बहुत लोगों ने आप लोगों में से तारीफ की साड़ी की, और वैसे दिखने में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी मुझ पर। तो मुझे तो पसंद आई थी, इसी वजह से तो मैंने ली है, और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो आप लोगों अगर लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मैं लिंक डाल दूँगी आपके लिए। बस यहाँ पर मैं ऑक्शन करूँगी, उसके बाद मेरी भाभी वगैरह जाएगी। तो ये है मेरी सबसे बड़ी भाभी, मीन्स मेरे जो बड़े पापा हैं उनके बेटी की वाइफ है। तो ये सबसे बड़े पापा की बेटी की वाइफ, मतलब सबसे बड़ी भाभी ही हुई। ये है मेरी मामी, और इसके बाद आप जो भी ब्लॉग देखोगे उसमें आपको दिख जाएंगे। एक्चुअली आपने मामा मामी को नहीं देखा होगा, एक्चुअली आप मेरे फैमिली से ही नहीं मिले हो, बट इस बार आपको सभी फैमिली मेम्बर से मिला दूंगी। जैसे कि हल्दी फंक्शन है, इसके बाद फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा शादी का ब्लॉग, फिर आपको देखने के लिए मिलेगा रिसेप्शन ब्लॉग। तो उसमें आप सभी फैमिली मेम्बर से मिल लोगे। तो अभी यही फंक्शन होते हैं जिसमें आपको देखने के लिए मिल जाएंगे सब। और हाँ, ये वाली मासी से तो आप मिल ही चुके हो। ये वाली मासी मेरी छोटी मासी है, और ये मेरे घर पे काफ़ी बार आई है, 2-3 बार आई है, तो इससे तो आप मिल ही चुके हो सब लोग। बस सेम ये भी ऑक्शन करेगी, उसके बाद जो फंक्शन है मेन फंक्शन वो स्टार्ट होगा, जैसे कि रिंग पहनाना ये सब।
तो रिंग आपको दिखा देती हूँ। रिंग उन्होंने उनके पसंद से ही ली थी एक्चुअली। जो रिंग है वो दुल्हन ने दुल्हन की पसंद से ली थी, दूल्हे ने दुल्हन दूल्हे की पसंद से ली थी। तो यहाँ पर बस रिंग सेरेमनी अभी स्टार्ट होने वाली है। उन्होंने ना अपने अपने पसंद से ली थी, तो थोड़ी सी अलग अलग है, मतलब जो कपल रिंग होती है वो नहीं है। तो यहाँ पर रिंग्स निकाल के रखी है। इधर की जो बड़ी रिंग है वो है दूल्हे की, और उधर की दुल्हन की रिंग है। बस अभी रिंग दोनों एक दूसरे को पहनाएंगे, वही चल रहा है यहाँ पे। बस पहले टीका लगाते हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को, और उसके बाद फिर जो ब्राह्मण बताते हैं हमारे साइड में वही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले दुल्हन पहनाएगी दूल्हे को। एक्चुअली इनका कन्वर्सेशन यहाँ पे वही चल रहा है कि दूल्हे को वो जो रिंग है वो थोड़ी सी छोटी हो रही थी, तो इसी वजह से वो बोल रही थी कि आपने अच्छे से वो देख के नहीं ली क्या रिंग, तो थोड़ी सी टाइट हो रही थी उसको, तो इसी वजह से वो देख रही थी कि ये कैसी जाएगी। जल्दी से चली गई, लेकिन मतलब कैसा है कि थोड़ी सी टाइट रिंग चाहिए, मतलब इतना ज़्यादा लूज़ होती है तो जैसे गोल्ड की रिंग गिर गिर जाती है, और लड़के वैसे ध्यान भी नहीं देते हैं इतना, तो इसीलिए उसने थोड़ी सी टाइट ही ली थी। और उसके बाद ये यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। फोटो सेशन होने के बाद फिर उसके बाद दूल्हा दुल्हन को रिंग पहनाएगी। ये तो आई थिंक सभी के साइड में सेम ही होता होगा, मतलब कुछ नया नहीं है ये, फिर भी मैं आपको पता नहीं क्यों बता रही हूँ। तो यही होता है, जैसे जैसे ब्राह्मण बताते हैं हमारे साइड में, थोड़ा सा गांव साइड में अलग होता है, थोड़ा सा जो आगे जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने पहले ब्लॉग में भी आपसे पूछा था कि ये ऐसे ऐसा होता है कि आपके साइड में, बट जो मराठी है उन्होंने ही बताया कि हमारे साइड में ऐसा नहीं होता है जो कुछ आप दिखा रहे हो। तो आपको कुछ नया देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, मतलब होता है ना कि हर साइड में सेम मतलब रीति रिवाज नहीं होते हैं, जैसे कि मराठी भी हो बट यहाँ पर भी हमारे साइड में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो वो होता ही है। तो यहाँ पर एंगेजमेंट हो गई थी, मतलब रिंग एक्सचेंज हो गई थी, उसके बाद गुलदस्ते दिए जाएंगे, तो ये यहाँ पर एक दूसरे को दिए जाएंगे। उसके बाद केक कट होगा। एक्चुअली ना इन लोगों ने इतने कामों के चक्कर में सब लोग भूल गए, और केक का ऑर्डर देना ही भूल गए। उसके बाद केक ना टाइम पे लाया था, तो थोड़ा सा मतलब अच्छा चाहिए था, बट मतलब अच्छा ही लाया था, बट जो ऑर्डर वाला केक होता है वो नहीं मिल पाया, जैसे कि ऑर्डर वाला केक जो स्पेशल एंगेजमेंट के लिए लाते हैं वो नहीं मिल पाया था। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही काम चलाना पड़ा हमें। तो यहाँ पर केक की तैयारी हो रही है, जैसे कि केक सजाना है, तो सब कुछ हो गया था, उसके बाद अभी केक कट करेंगे।